चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 5th ऑफ जान का, गुरुवार का दिन, जो कि वीकली एक्सपायरी है, तो कल के वीकली एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपोर्ट रहेंगे इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। 18,042 पे अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दिए, 119.89 पॉइंट अभी नीचे की तरफ बैंक निफ्टी क्लोजिंग होता देखने को मिल रहा है। एडवांसेस में 7 देखने को मिल रहे हैं और डिक्लाइंस में 43 देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, आज मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया क्योंकि जो मेरा फंड था मैंने यहाँ पे विड्रॉल कर रहा था, मेरे को लग रहा था उसकी वजह से। तो कल या परसों मैं ट्रेड करूँगा, अगर कभी भी ट्रेड करता तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए, निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी क्या कर रहा है, अगर डेली कैंडलस्टिक में देख लेते हैं, डेली कैंडलस्टिक में क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे इनसाइड टाइप ऑफ कैंडल मैंने पता था कि एक इनसाइड कैंडल हो रहा है, उसको ब्रेक किया कि नहीं अभी चलो देख लेते। अभी क्या हुआ, देखो परफेक्टली उसके हाई को ब्रेक नहीं किया और जैसे उसके लो के पास है, तो हैवीली सेलिंग देखने को मिल रहा है मार्केट में। जैसे ओपनिंग हुआ, जैन मैंने कहा था कि 18,200 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और 18,180, जैसे 18,180 के नीचे चला गया तो 180 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट अभी 150 पॉइंट्स का आपको फॉल देखने को मिला। नीचे अगर 18,050 का जो अपना सपोर्ट है वहीं पर उसने होल्ड कर दिया। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जाके देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्या अपडेट्स दिए थे और क्या नहीं। तो चलिए, अभी कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं देखते हैं। 18,000 का राउंड फिगर नंबर है, देखो कल 18,000 का राउंड फिगर नंबर है, कल फ्लैट ही ओपनिंग मिलती है और कुछ गैप अप वगैरह मिलती है। और जब भी 18,000 के नीचे, देखो 17,980 लेवल देखिए आप, 17,980 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ 17,920 का लेवल देखने को मिल सकता है और उसके नीचे 17,880 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कौन सा है, तो ऊपर की तरफ 18,050 का फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। 18,050 के ऊपर निकलता है, जैसे मैंने दोपहर को भी आपको सी दिया था जो कि 18,100 का था, तो जैसे 18,120 के लेवल तक जाके देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर 18,160। लेकिन मेरा व्यू यहाँ पे डाउन साइड के लिए, क्यों डाउन साइड के लिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न हुआ है, तो यहाँ पे एम पैटर्न हुआ है। देखो एम पैटर्न होने के बाद नीचे गया, रिटेस्ट किया अभी यहाँ पे, तो जैसे 18,000 लेवल कल ब्रेक होगा तो यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। कल एक्सपायरी डे तो देखिए, मॉर्निंग में अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज वगैरह भी मार्केट देखने को मिल सकता है, जो मैंने लेवल बताए थे इन लेवल के साथ आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। पैटर्न अगर देखें तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे भी देखें तो पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखें तो पिछला जो सपोर्ट है देख सकते हैं क्लियरली, ये पिछला जो सपोर्ट है वहीं पर यहाँ पे मार्केट घूम रहा है। तो कल अगर 18,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, इस 18,000 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के नीचे निकलते तो पिछली बार जैसे फॉल आया था तो ऐसे फॉल आ सकता है टूवर्ड्स 17,700 के लेवल तक, नीचे की तरफ यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चलिए ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन डेटा 18,000 के लेवल पे कहाँ पे ओआई सबसे ज्यादा है, चलिए 18,000 के लेवल पे अगर देखें तो कॉल साइड में 57,000 है, पुट साइड में 1 लाख, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए यहाँ पे 18,000 देखने को मिल रहा है। लेकिन कल 18,000 के नीचे निकलता है तो टूवर्ड्स 900 का लेवल देखने को मिलेगा। अपसाइड के लिए अच्छा सा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है अगेंस्ट टू पुट राइटिंग, लेकिन 18,000 के लेवल पर अच्छा सा पुट राइटिंग है। कल 18,000 का लेवल होल्ड नहीं करता तो अपन को पुट साइड में ही जाने का है, अदरवाइज वहाँ पे अगर ताम झाम करते तो वहाँ पे प्रीमियम डिक्रीज ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे अपन को कुछ करने का नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी डेली कैंडलस्टिक में क्या देखने को मिल रहा है और 15 मिनट में। डेली कैंडलस्टिक में देखे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एक इनसाइड कैंडल बनाया था, तो यहाँ पे देखे तो इस इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं का, लेकिन उसके अंदर ही नीचे की तरफ 42,400 यहाँ पे 500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ 43,500, तो 100,000 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे क्या शो कर रहा है, तो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे देखिए, जो पिछला जो हाई था, पिछला ये वाला हाई था, यहाँ पे परफेक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते हुए अगर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन जैसे हुआ तो मार्केट ने अपसाइड के लिए एक रिट्रेसमेंट दिया और अभी यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। कल अगर 42,800 देखो 42,800 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे 42,600 और 42,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा 43,050 का लेवल। देखो 43,050 के लेवल की यहाँ पे अगर सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तभी एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। चलिए मैं जूम करके आपको लेवल दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे 43,000 यहाँ पे देख सकते हैं, 43,050 का लेवल है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 43,100 के नीचे 43,050 का लेवल है। 43,050 के लेवल के अगर यहाँ पे ऊपर सस्टेन करता है तो टूवर्ड्स अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये जोन है नीचे की तरफ देखिए 40,900 और 800 के नीचे निकलता है तो फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ 500 के लेवल तक आता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। तो इन लेवल के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। चार्ट पैटर्न
मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है और नीचे की तरफ का लेवल्स वगैरह। चलिए ओआई डेटा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का ओआई डेटा क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी का ओआई डेटा में ऑलमोस्ट यहाँ पे 43,000 के यहाँ पे ज़्यादा फोकस करूंगा, जो राउंड फिगर नंबर है, राउंड फिगर नंबर 43,000 के यहाँ पे कॉल साइड में देखें तो 1,81,000 देखने को मिल रहा है, 1,54,000, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है, तो 43,000 के नीचे रहते तो वीकनेस देखने को मिलेगा, 43,000 के ऊपर आता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो बाइंग देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे ओआई डेटा का लाइव मार्केट में देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने बताते हैं, क्या चार्ट पैटर्न है, किस तरह से ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। एस्ट्रो टाइम अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ट्विटर पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पर मैं एस्ट्रो टाइम्स और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपके पोस्ट कर देता हूँ। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आप ला सकूँ।